आइए आपको लेकर के चलते हैं इस वक्त की धार जिले की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही धार जिले के धामनो थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस को करीब आधा दर्जन अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। धामनो पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके तहत अवैध हथियारों का कुख्यात तस्कर प्रधान पिता बहादुर सिंह निवासी लालबाग अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से अवैध रूप से देसी पिस्तौल लेकर तस्करी हेतु आने वाला है, जिसको लेकर धामनो पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे दो लोगों को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देख मोटरसाइकिल चालक भागने लगे। पीछा करने के दौरान मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश गिर पड़े, जिसमें एक बदमाश को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं उसका एक साथी आरोपी प्रधान सिकलीगर फरार होने में सफल हो गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से थैले में 6 पिस्तौल 32 बोर के और 4 जिंदा कारतूस 32 बोर के पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। और पकड़ाए आरोपियों का नाम दाना और ओम प्रकाश पिता भादर निवासी लालबाग होना बताया जा रहा है, तथा दूसरे आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। धामनो में आज एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है, जिसमें टीआई दिलीप चौधरी और उनकी टीम को ये सूचना मिली कि प्रधान पिता बहादुर सिंह और उसका एक दोस्त कुछ हथियार लेकर धामनो में कहीं डिलीवरी करने वाले हैं। इन्होंने अपनी टीम को लगाया और एक मोटरसाइकिल और इनको इंटरसेप्ट किया, तो उसमें प्रधान भाग गया और उसका जो साथी था दाना उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके पास से अभी 6 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड मिले हैं। और क्योंकि ये पूरी कार्रवाई में प्रधान भाग गया, उस पर भी पुलिस ने रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया है और उसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। इसकी डिलीवरी धामनोद में कहीं होनी थी और ये खलघाट की तरफ से आ रहे थे, रस्ते में इंटरसेप्ट करने के कारण ये डिलीवरी नहीं।